वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, दो ट्रकों की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। डीजल टैंक फटने की वजह से आग लगी है। आग लगते ही ट्रक के चालक और खलासी भाग गए। फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बड़ी खबर वाराणसी से, जहां दो ट्रकों की टक्कर के बाद लगी आग, डीजल टैंक फटने की वजह से बताया जा रहा है कि आग लगी। हालांकि वक्त रहते जो ट्रक के चालक और खलासी थे वो ट्रक से कूद गए। और राहत की बात यह है कि फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने इस आग पर काबू पा लिया है। बड़ी खबर वाराणसी से, दो ट्रकों की टक्कर के बाद ये आग लगी। हालांकि आग पर अब काबू पा लिया गया है। कोई जनहानि की बात अब तक सामने नहीं आई है। डीजल टैंक फटने की वजह से बताया जा रहा है कि आग लगी। हालांकि वक्त रहते समय रहते जो ट्रक के चालक थे खलासी थे वो ट्रक से कूद गए। और राहत की बात है कि आग पर काबू पा लिया गया है। वाराणसी से ये बड़ी खबर, डीजल टैंक फटने की वजह से आग लगी। मौके की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से ये आग लगी जिसमें पूरा ट्रक जल गया। और समय रहते जो ट्रक के चालक थे खलासी थे उन्होंने अपनी जान बचा ली, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। बताया जा रहा है कि डीजल टैंक फटने की वजह से ये आग लगी। और आप देखिए, दोनों ही जो ट्रक हैं वो किस तरीके से जल गए। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल भी रहा। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की, और उसके बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। और नवीन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। नवीन, क्या इस हादसे में कोई अभी तक जनहानि की बात, क्या क्या नुकसान हुआ है अभी तक, क्या क्या जानकारी मिली है? जी ऐसे आपको बताना चाहेंगे कि जनसा थाना क्षेत्र के परम अपिलवा के समीप का एक मामला है। एक खड़ी ट्रक थी जिस पर पीछे से बालू लदी ट्रक ने टक्कर मारी, जिसके बाद से दोनों ट्रकों में आग लग गई। डीजल टैंक फटने की वजह से आग लगी और आग लगते ही जो ट्रक में सवार थे खलासी और ड्राइवर कूद के अपनी जान बचाए। हालांकि पूरी तरह से जिस तरह आग लगी तो उस क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया, क्योंकि जिस तरह की आग भयानक देखने को मिली लोग काफी डर गए, जिसके बाद से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों बुलाई गई और तीन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत की, लेकिन ट्रक पूरी तरह से फिलहाल जल के खाक हो गया। हालांकि किसी तरह की अभी कोई जनहानि की बातें नहीं आ रही है, क्योंकि धूप का मौसम है, गर्मी का मौसम है और कोई उस क्षेत्र में फिलहाल सन्नाटा देखने को मिल रहा था। ट्रक ड्राइवर और खलासी जरूर थे ट्रक में सवार, लेकिन जैसे ही टक्कर मारी पीछे से ट्रक ने, ट्रक ड्राइवर और खलासी ने भाग के वहां से अपनी जान बचाई। तो फिलहाल ट्रक पूरी तरह से जल के खाक हो गई है। हालांकि अफरा तफरी का माहौल जरूर देखने को मिला था, लेकिन फिलहाल किसी तरह से कोई जनहानि की सूचना अभी नहीं है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद नवीन तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट यही है कि कोई जनहानि इस पूरे हादसे में नहीं हुई है। समय रहते ट्रक चालक और खलासी ने अपनी जान बचा ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।